जय श्री राधे दोस्तों, आज हम आपको परिवर्तनी एकादशी के बारे में बताएंगे और उसकी कथा भी सुनाएंगे। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की इस एकादशी को पद्मा एकादशी भी कहते हैं। यह श्री लक्ष्मी जी का परम आह्लादकारी व्रत है। इस दिन भगवान विष्णु जी क्षीर सागर में शेष शैया पर शयन करते हुए करवट बदलते हैं, इसीलिए इसे करवटनी एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन लक्ष्मी जी की पूजा पाठ करना श्रेष्ठ कर माना गया है, क्योंकि देवताओं ने अपना पूर्ण राज्य प्राप्त करने के लिए महालक्ष्मी जी की पूजा की थी। इसमें चावल तथा दही सहित चांदी का दान दिया जाता है। इस दिन रात्रि को जागरण करना श्रेष्ठ माना गया है। इस प्रकार उपवास करने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त होकर स्वर्गलोक को जाते हैं। जो मनुष्य पापों को नष्ट करने वाली इस एकादशी का व्रत कथा सुनते हैं, उनके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। परवर्तनी एकादशी की कथा इस प्रकार है। त्रेता युग में प्रहलाद का पौत्र राजा बलि राज्य करते थे। वह ब्राह्मणों का सेवा करते थे तथा भगवान विष्णु जी के परम भक्त थे और इंद्र आदि देवताओं के शत्रु थे। उन्होंने अपनी बाहुबल से देवताओं पर विजय प्राप्त करके उन्हें स्वर्ग से निकाल दिया। देवताओं को दुखी देखकर भगवान जी ने वामन आंगुल का शरीर धारण किया और बलि के द्वार पर आकर कहा, मुझे 3 पग धरती का दान दीजिए। बलि राजा बोले, 3 लोक दे सकता हूँ, विराट रूप धारण करके नाप लो। भगवान बलि के इस अभिमान को दूर करने के लिए वामन भगवान ने विराट रूप धारण कर लिया और 2 पग में पूरी पृथ्वी को नाप लिया। 3रा पग उठाया तो बलि ने सिर नीचे कर दिया। प्रभु ने चरण धर कर दबाया तो बलि पाताल मिलोक में चला गया। जब भगवान चरण उठाने लगे तो बलि ने हाथ पकड़ कर कहा, इन्हें मैं अपने मंदिर में धारण करूँगा। भगवान बोले, यदि तुम वामन एकादशी का विधि सहित व्रत करोगे तो मैं तुम्हारे द्वार पर कुटिया बनाकर रहूँगा। अतः बलि राजा ने वामन एकादशी का व्रत विधिवत किया। तब से भगवान की एक प्रतिमा द्वारपाल बनकर पाताल में और एक क्षीर सागर में निवास करने लगी। इस कथा से यह सार प्राप्त होता है कि दान करने के उपरांत मनुष्य को कभी अभिमान नहीं करना चाहिए। राजा बलि ने अभिमान किया तथा पाताल को चला गया तथा इसी कथा से इस बात का भी बोध होता है कि प्रत्येक कार्य में अति सदा अनिष्ट ही लाती है, इसीलिए हमेशा भगवान की भक्ति करें। इस एकादशी का व्रत करने से बहुत सारे पुण्यों का फल प्राप्त होता है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।